हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको राजस्थान की जीके की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे शिक्षक ग्रेड का हो, चाहे आपका सूचना सहायक का हो, या कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जीके आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। आज हम इससे का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं, जिसका क्या है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। ठीक है, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल क्या है उनके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो इसमें जो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इसके जो पॉइंट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे कई कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक युग को कौन सा युग कहा जाता है, प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, प्रस्तर युग में मानव क्या करता था, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वो जानवरों का शिकार किया करते थे। ठीक है, अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना जीवन यापन किया करते थे। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण कुल्हाड़ी, कड़ासा, छुरा, मुख, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायात में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो इस युग के जो औजार थे ये आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं, नाम आप याद रखेंगे। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रस्तर युग था, प्रस्तर युग के बाद आपको ताम्र और कांस्य काल के आपको अवशेष यहाँ मिले हैं, उसके बाद में लौह युग के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, तो धातुओं का जो उपयोग हुआ है, सबसे पहले से तांबे का उपयोग किया गया है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से मिले हैं। ठीक है, जो तांबे के अवशेष राजस्थान में कहाँ कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, गणेश्वर से और आहड़ आदि क्षेत्रों से मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में द्विस्दती और सरस्वती नदी की घाटी पुराविद अमलानंद घोष ने करीब दो दर्जन पुरा स्थलों की खोज की है। ठीक है, जो अमलानंद थे, अमलानंद घोष ने करीब दो दर्जन पुरातत्वों पुरा स्थलों की खोज की है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घंघर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा मुख है। ठीक है, इनकी खोज किसने की है और ये कहाँ पर है, तो घंघर नदी के किनारे है हनुमानगढ़ में, जिसमें कि कालीबंगा जो है ये प्रमुख है। बाद में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में ये खुदाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, खुदाई के दौरान कौन सी नदियां मिली हैं, सिंधु और सरस्वती सभ्यता काल के नगर मिले हैं, जिनमें की जिनके मकानों में ईंटों का प्रयोग की जानकारी मिलती है, किनके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मकानों में चार पांच बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी होती थी। ठीक है, घरों में जो गंदा पानी है उसे निकालने के लिए, उसके निकाशन के लिए क्या किया गया था, यहाँ पर लकड़ी और ईंटों की नालियां बनाई गई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चबूतरे मिले हैं जहाँ अग्निकुंड वेदिकाएं मिली हैं।
सभ्यता में यह धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। ठीक है, अग्निकुंड किस लिए प्रयोग होते थे? इस सभ्यता में धार्मिक कार्य के लिए यूज किए जाते थे, जैसे कि हवन याद पूजा पाठ में यूज होते हैं। दूसरे टीलों में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, जो दूसरे टीले हैं उनमें एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा के नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। ठीक है, जो कालीबंगा जो था इसकी जो नगर योजना थी वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना से मिलती जुलती थी। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीन काल में बार जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, इसी नगर सभ्यता में क्या हुआ, जोती हुई भूमि क्या कृषि होती थी, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, खुदाई में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं आप याद रखेंगे, प्याले मिले हैं, गाय के मुख वाले प्याले, ठीक है, तांबे के बैल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत के कंघे, मिट्टी के बर्तन, कांच की मड़ियां, खिलौने आदि मिले हैं। आघाटपुर या आहाड़, ठीक है, जो कि आघाटपुर या फिर जिसे आहाड़ कहते हैं, उदयपुर के पूर्व में आहाड़, बेड़च या आयड़ नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। क्या कहा जाता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन्हें धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, ये जो बस्ती है इसे किस नाम से पहले जानते थे, ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। ठीक है, ऐसा यहाँ ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पे तांबे के औजार बनते थे, इसलिए इसका नाम ताम्रवती रख दिया गया। दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी के में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। आघाटपुर से कब जाना जाने लगा, दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी से। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी से बनी हुई, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। ठीक है, यहाँ से जो मकान मिले हैं इनकी दीवारें तो पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी, लेकिन इनकी छत किससे बनी होती थी, इनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े मकानों के बीच में बांस का पर्दा या मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरे ओवरों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, मकानों में चार से छह चूल्हे मिले हैं। ठीक है, कितने चूल्हे मिले हैं, चार से छह, जो कि संयुक्त परिवार या सामूहिक विधि के साक्ष्य हैं। जैसे पता चलता है यहाँ पे सामूहिक परिवार रहते थे, बहुत सारे परिवार एक साथ रहा करते थे। यहाँ उच्च कोट के चावल उत्पत्ति होते थे। ठीक है, जो चावल थे वो उच्च कोट के चावल का उत्पादन हुआ करता था उस समय में। आहाड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ठीक है, आहाड़ में जो है ये भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। ठीक है, ऐसा भी लोगों ने अनुमान लगाया है कि जो आहाड़वासी थे, आहाड़ के रहने वाले लोग थे, वो बर्तन बनाने में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। यहाँ मिले लाल भूरे मृत भांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि उत्कृष्ट थे। ठीक है, जो हाथे जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे, बहुत अच्छे बर्तन बने हुए थे उस समय के। ठीक है, जो कि लाल और भूरे रंग के हुआ करते थे। धूलकोट में 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणियें, 6 तांबे के मुद्राएं और 3 मोहरे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये धूलकोट में जो ये कब मिली हैं, 1951
51-52 में हुए उत्खनन में ये सारी चीजें मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई। ठीक है, ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि जो सभ्यता थी वो प्राकृतिक कोई आपदा आई थी जिससे ये नष्ट हुई है। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड व भवनपुर जैसे स्थान बसाए। बालाथल, नेक्स्ट क्या है, बालाथल उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील के बालाथल में जो सभ्यता मिली है वह ताम्र पाषाण कालीन आहण संस्कृत से संबंधित है। बालाथल में लौह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ लौह गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो बैराट के बाद बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ से बुने हुए वस्त्र मिले हैं। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार के लटकन आदि मिले हैं। ये सारे कहाँ से मिले हैं? बालाथल से मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, ये भी पता चलता है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग थे इनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था भी थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जानकारी भी नहीं थी। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। जीविका के साधन क्या थे? कृषि, पशुपालन और शिकार, ये तीनों ही जीविका के साधन हुआ करते थे। गणेश्वर, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर में यह सभ्यता मिली है। इसे ताम्र संचयी संस्कृत कहा जाता है। यह संस्कृत पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ठीक है, सीकर जिले में जो नीम का थाना तहसील है उसमें गणेश्वर में यह सभ्यता मिली है। इसको आप याद रखेंगे कहाँ पर मिली है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुत मिले हैं। ठीक है, ताम्र उपकरण सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? गणेश्वर में, जिनमें बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि मिले हैं। ये सारे चीजें मिली हैं वहां पे। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सीरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्मित निर्यात किया जाता था। ठीक है, ऐसी भी जानकारी मिली है कि यहाँ से जो सिला वाली ताम्र पेचदार जो होती थी, यहाँ से दोहरी पेचदार सिला वाली ताम्र पिनों को पश्चिम और मध्य एशिया में इनका निर्यात हुआ करता था। गणेश्वर में मिट्टी के दो प्रकार के बर्तन मिले हैं। ठीक है, गणेश्वर में मिट्टी कितने प्रकार के बर्तन मिले हैं? दो प्रकार के। पहले हैं हड़प्पा पूर्व संस्कृत के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं। दूसरा, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हाड़ी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, बैराट, अब बैराट से क्या मिला है? जयपुर जिले में स्थित बैराट कस्बे में यह सभ्यता है। यहाँ बीजक की पहाड़ी एवं भीम डुगरी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या क्या प्रसिद्ध है? बीजक की पहाड़ियां और भीम डुगरी। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहां से अशोक के दो स्तंभ लेख भ्रामु और बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष
प्राप्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें से अशोक के दो स्तंभ लेखनी मिले हैं, भ्राबु या बैराट शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्ग एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। ठीक है, यहाँ से 36 जो है चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जो कि 8 पंचमार्ग और जो 28 है भारतीय यूनानी शासकों की हैं। खुदाई में स्वास्तिक त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े दीपक, नाचता हुआ पंछी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बने हुए वस्त्र मिले हैं। ठीक है, खुदाई के दौरान यहाँ क्या क्या मिला है? स्वास्तिक मिला है, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी मिले हैं, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले हैं। ठीक है, दीपक मिला है, नाचता हुआ एक पक्षी मिला है, पत्थर की संदूकें मिली हैं, लोहे की कीले और हाथ से बने हुए वस्त्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरे अन्य सभ्यता संस्कृत के केंद्र, दूसरे सभ्यता संस्कृत के केंद्र कुछ यहाँ पे और दिए गए हैं, आपको देख लीजिए। भीलवाड़ा में क्या क्या है? बागौर, ओशियान, जयपुर में सांभर और जोधपुरा, टोंक में नगर और रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालौर में भीनमाल और राजसमंद में पचमता या ग्लून। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन जो पॉइंट हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इन पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, आप एक दो तीन बार वीडियो को देखिए, फिर आप खुद से भी कोशिश करिए समझने की। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको बुक से आप पढ़ते रहते हैं, आप स्पीड में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बोरियत ना हो, क्योंकि आप सब पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको ध्यान ठीक से समझाना है एक चीज। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, हमने देखा था पॉइंट में, कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ में है। दूसरा, अशोक का भ्राबु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का जो भ्राबु शिलालेख है वो हमें बैराट से मिला है। ठीक है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? तो नाचता हुआ सब जो पक्षी है वो भी हमें बैराट से ही मिला है। किस सभ्यता से 8 पंचमार्ग एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो ये भी हमें बैराट से ही मिली हैं। ठीक है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डुंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी और भीम डुंगरी जो है ये भी बैराट सभ्यता से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो हाथ से बने हुए जो वस्त्र हैं वो हमें बैराट से भी मिले हैं और बालाथल से भी मिले हैं, दोनों जगह से मिले हैं। ठीक है, तो हाथ से बने हुए जो वस्त्र हैं वो हमें बैराट से भी मिले हैं, बालाथल से भी मिले हैं। ऑप्शन में हो सकता है एक ही दिया हो तो आपको दोनों याद रखने हैं, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं और दोनों भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर ताम्र संचयी संस्कृत कहाँ प्राप्त हुई है? तो ताम्र संचयी जो संस्कृत थी वो हमें गणेश्वर से मिली है। ठीक है, गणेश्वर से मिली है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले हमने देखा था तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड वेदिकाओं के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, तो ये 10th में लास्ट क्वेश्चन है। ये 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? तो कौन सी सभ्यता ये थी? आहाड़ सभ्यता थी। ठीक है, आहाड़ सभ्यता को 10वीं और 11वीं शताब्दी में
आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अग्निकुंड हम देख चुके हैं कालीबंगा में ही मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड हमें कालीबंगा से मिले हैं। चलिए इस वीडियो के यहीं तक रखते हैं। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके सबके लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीके सिर्फ सूचना सहायक के लिए है, सारे एग्जाम के लिए है। किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जीके सभी एग्जाम में आती है और सबकी जीके लगभग सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसको आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा फिफ्थ पार्ट, जिसमें आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप क्या था, इसे हम पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।